When we talk about the financial markets, financial intermediaries, finance, bonds, securities, income returns, etc., so the most important question that arises in our mind is the rate of return. So in today's session, we are going to discuss the rate of return of risky assets calculated. So the first thing we need to understand is the concept of a risky asset. So risky asset hota सो वेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एसेट्स वी नो दैट इन सर्टन केसेस कोई भी एसेट की प्राइस को डिटर्मिन करना आसान है और ओवर द टाइम मोर लेस उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आते लेकिन देर आर मैनी एसेट्स सच एज़ प्रॉपर्टी की कीमतें या कोई भी आपके पास शेयर है या बॉन्ड आपने परचेज कराया फाइनेंशियल मार्केट में या आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है तो देर में भी इंस्टेंसेज जहाँ जो प्राइस है वो ओवर टाइम फ्लक्चुएट करती जाएगी तो ऐसे एसेट्स जिनकी प्राइस कांस्टेंट नहीं है और वक्त के साथ साथ उनमें ख़ातिर ख्वाह तब्दीलियाँ आती रहें या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं उन एसेट्स को हम रिस्की एसेट्स बोलते हैं सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें में प्राइस स्टेबल नहीं रह सकते उनके प्राइसज ऊपर नीचे जाते हैं जिसकी वजह से हम उनको उन एसेट्स को रिस्की एसेट्स बोलते हैं तो रिस्की एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करना या कोई भी रिस्की एसेट को परचेज करना उसको अपने पास विदहोल्ड करना प्रॉफिट को कमाने के लिए इज़ द बेसिक इंटेंशन व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स सो जब हम कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हैं तो उसमें सबसे जो अहम पॉइंट जिसको हम कंसिडर करते हैं कि इस फाइनेंशियल एसेट को बाय करें या इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें या उसको अभी ख़रीद लें या बेच दें उसमें जो अहम तरीन कॉन्सेप्ट जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ द रिटर्न सो इट इज़ देर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू वट इज़ रिटर्न एंड हाउ द रिटर्न इज कैलकुलेटेड सो वेन वी टॉक अबाउट द रिस्की एसेट्स देर आर सेवरल एग्जाम्पल सच एज आप एकज बाय में डालते हैं इन्वेस्टमेंट एक्वटीज बाय करते हैं या आप कमोडिटीज़ के सेल एंड परचेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप हाई हीड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं हाई हीट बॉन्ड्स का मतलब है कि आप उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास विधहोल्ड करेंगे और उसके ऊपर ख़ातिर ख़वा अम, अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी या इसी तरह से आप रियल एस्टेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट रहे हैं या आप करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जाएगा और पाक रुपये में जो आपको पाक रुपये की वैल्यू डिमिनिश करेगी ओवर द टाइम तो आप ज्यादा से ज़्यादा आपने पास डॉलर्स को विदहोल्ड कर लेते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो महंगा हो जाएगा तब आप उसको जाके बेचें तो इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा सो वेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनकम्स सबसे पहली जो इसकी कॉम्पोनेंट है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड इनकम कॉम्पोनेंट एंड द अदर इज़ द प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टॉक बाय किया है और उसको आपने एक साल के लिए अपने पास रखा तो स्टॉक अगर आपने बाई किया है एक सौ रुपए का और एक साल के बाद वो मार्केट जो प्राइस है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई इंटर से उसकी जो प्राइस बन गई है दैट इज़ हंड्रेड एंड फाइव रुपीज़ तो वो जो पाँच रुपये का इजाफा हुआ है उसकी कीमत में दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट लेकिन अगर आपने जिस कंपनी का स्टॉक बाई किया हुआ था उसमें उनको प्रॉफिट्स हुए हैं तो आपको डिविडेंड का कुछ हिस्सा मिलेगा डिविडेंड इज़ द रिटर्न विच द कंपनी अनाउंसेस के जो भी स्टॉक स्टॉक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी uh, के मुनाफे का इस इस प्रपोर्शन से मुनाफा शेयर किया जाएगा तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द डिविडेंड इनकम कॉम्पोनेंट सो डिविडेंड इनकम कॉम्पोनेट एंड प्राइस चेंज कॉम्पोनेट टुगेदर दे मेकअप द टोटल रिटर्न विच यू आर गोइंग टू गेट सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैथामेटिक्स इन्वॉल्व देर इज एन एग्जाम्पल जिसमें हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि हम रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं सो so, बेसिकली आप जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट रिटर्न इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स वन इज़ द डिविडेंट इनकम एंड द अदर इज द चेंज इन द मार्केट प्राइस सो इन दोनों को आपने कंसिडर करना होता है रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए सो वेन वी लुक एट द फॉर्मूला वी सी दैट

That will tell you about the changes in the market price of that particular stock or share. So, these are the two heads or the two parts of the return dividend income component and the price change component. Now, in order to explain this formula, I am going to give you an example. Suppose you have a stock or 1 ek and you withhold By the end of the year, उसके ऊपर आपको जो कैश डिविडेंड मिल रही है एक सौ रुपए के स्टॉक के ऊपर वो है पाँच रुपये पर शेयर सो अगेन ऐसा होता नहीं है कि आप सिर्फ़ एक शेयर बाय करते हैं इट कुड बी मल्टीपल्स ऑफ फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड वन थाउजेंड वाट एवर आपके पास काफ़ी आप पाँच हज़ार दस हज़ार पचास हज़ार या कई लाखों रुपयों में शेयर को परचेस कर सकते हैं लेकिन एक शेयर हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा है कि वो एक सौ रुपये का है तो डिविडेंड अनाउंस हुआ यानी कि कंपनी ने प्रॉफ़िट किया अर्न करा बाय द एंड ऑफ द ईयर हर सौ रुपए के शेयर होल्डर के ऊपर पाँच रुपए का डिविडेंड आया सो so हमने वो अकाउंट फॉर करा और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक साल गुजर जाने के बाद उसकी कीमत एक सौ पाँच हो गई तो अगर हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिविडेंड कम्पोनेंट को और प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट को अकाउंट फॉर करें तो रेट ऑफ़ रिटर्न क्या कैलकुलेट होगा इट वुड बी द कैश डिविडेंड विच इज़ फाइव रुपीज़ डिवाइडेड बाई बिगनिंग प्राइस एक सौ रुपए तो फाइव डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड प्लस वी हैव वन जीरो फाइव माइनस वन हंड्रेड डिवाइड बाई वन हंड्रेड सो इट विल गिव यू अ फाइव परसेंट डिविडेंट इनकम कॉम्पोनेट एंड अ फाइव परसेंट प्राइस चेंज कॉम्पोनेट तो हम अगर उन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न टेन परसेंट बन जाता है इसी चीज़ को मजीद वज़ाहत करने के लिए देर इज़ अनादर एग्जाम्पल सपोज आपने एक स्टॉक बाई किया है वो आज पचास का है और एक साल आपने उसको अपने पास रखा और उसके बाद उसके ऊपर जो डिविडेंड दिया गया दैट इज़ सपोज एक रुपया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर इस पचास रुपये की स्टॉक की कीमत साठ रुपये हो जाएगी तो जो आपका मार्केट प्राइस कॉम्पोनेंट है यानी कि जो उस उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे तो इट विल बी द इंक्रीज वी आर एक्सपेक्टिंग इन द प्राइस इज ऑफ रुपीज़ टेन और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो द एक्सपेक्टेड रिटर्न will be it will be r equals to the dividend which was 1 rupee and the initial price of the stock was 50. So we are going to add to consider now the expected price we which we are expecting after a year and the initial price which is 50. So divided by 50. So altogether we will have this 60 minus 50 whole divided by 50 will give you a 0.22 or it will give you a 22% so the expected rate of return in this situation will turn out to be 22% so 22% ko aapne consider karna hai is particular example ki expected return ko now if we slightly modify the situation which we have discussed in this example and we say that aapne expect to kiya tha abhi 50 rupai ka stock we were expecting but actually when the year finished, uh, we saw that instead of increase in the price of the stock by rupees 10 the price fell by rupees 10 yani ke ab wo कीमत jo ho gayi hai that is rupees 40 instead of rupees 60 तो अब हम इसको कैसे calculate करेंगे expected return को जो के realized return हो गया अब, तो उसमें हम again वही formula इस्तेमाल करेंगे. We will put the dividend one rupee divided by fifty. प्लस करेंगे 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 एंड दैट विल गिव यू आर नॉट पॉइंट वन एट विद अ नेगेटिव साइन का मतलब कि आपकी जो रियलाइज रिटर्न है दैट शोज़ माइनस एटीन परसेंट कि आपकी जो कीमत है स्टॉक की वो 18 परसेंट गिर गई है जिस जिस हिसाब से आपने उसको बाय किया था सो दिस इज हाउ वी Uh, calculate the expected return or the realized return and the important components of the formula we have we have um, are, are the realized price or the future price which you are thinking by the end of the year dividend income kitna hoga in dono ko account for karke, aap expected rate of return ko calculate kar sakte hai. so it is important to have an estimate of the expected rate of return before investing in a certain stock or whatever a financial instrument you are trying to invest.